हमने फार्मा क्लिनिक पे एक वीडियो बनाया था, तो उसपे काफी लोगों ने हमसे पूछा था कि फार्मासिस्ट क्यों प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और फार्मासिस्टों को भी प्रैक्टिस का हक मिलना चाहिए क्योंकि उनको भी नॉलेज होती है, उन्होंने भी फार्माकोलॉजी पढ़ी होती है और बहुत सारे फार्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। उसके बाद मैंने इस चीज़ पे बड़ा ध्यान दिया और सोचा कि फार्मासिस्ट प्रैक्टिस क्यों करना चाहता है। इतना अच्छा प्रोफेशन होते हुए भी हम या तो कहीं और जॉब करने के लिए मजबूर है, हम मैन्युफैक्चरिंग में जॉब करने के लिए मजबूर है, या कुछ और बिजनेस करने के लिए मजबूर है, और फार्मेसी स्टोर से फार्मासिस्ट की वजह से जितने भी मेडिकल स्टोर खुलते हैं या जितने भी वो करते हैं वो लाखों कमाते हैं, और फिर भी फार्मासिस्ट की जो स्थिति है, फार्मासिस्ट प्रोफेशन की जो स्थिति है, बहुत ही दयनीय है। तो किन कारणों से है और कैसे हम इसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, कैसे फार्मासिस्ट को हम दोबारा एक अच्छा प्रोफेशन बना सकते हैं और एक ऐसा प्रोफेशन बना सकते हैं जहाँ पे हर बंदा फार्मासिस्ट बनना चाहे, डॉक्टर से ज़्यादा पैसा फार्मासिस्ट कमा सकता है, डॉक्टर से ज़्यादा रिस्पेक्टेड एक फार्मासिस्ट हो सकता है, लेकिन कुछ कारण हैं और उन कारणों को अगर हम दूर कर लेंगे तो फार्मासिस्ट प्रोफेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन हो जाएगा, एक हाई पेइंग प्रोफेशन हो जाएगा, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन हो जाएगा। पहला जो कारण है, जिस चीज़ को हमें दूर करने की ज़रूरत है और जिसको मैं देखता हूँ कि इसेंशियल तौर पे, इमीडिएटली तौर पे जिसको हमें दूर करने की जरूरत है, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो है रेंटेड लाइसेंस। जब तक रेंटेड लाइसेंस का सिस्टम चलता रहेगा तब तक फार्मासिस्ट प्रोफेशन में कोई सुधार नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोफेशन की आज के टाइम में जो स्थिति है उसके लिए कोई बाहर, कोई गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट या दूसरा कोई और दूसरे लोग जिम्मेवार हैं, उनके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने जो रेंटेड लाइसेंस की जो प्रथा चलाई हुई है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये के लिए जो हम अपने लाइसेंस को किसी भी मेडिकल स्टोर वाले को दे देते हैं जिनको मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि अपनी लाइफ में सब ने ये काम किया है कहीं ना कहीं, हम मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आज किसी भी पोस्ट पे है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुँच गया हो, तो कहीं ना कहीं इस जो ट्रेडिशन को, इस स्थिति को, जो रेंटेड लाइसेंस की जो प्रथा है, इसमें किसी सबने ही हमने सपोर्ट किया है, और इसी वजह से फार्मासिस्ट को उसका अधिकार नहीं मिला है। क्योंकि जिस दिन हम रेंटेड लाइसेंस देना बंद कर देंगे, उस दिन जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, वो एक तरह से रेवोल्यूशन में आ जाएगी। जब किसी मेडिकल स्टोर को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो मोस्टली मेडिकल स्टोर बंद होने शुरू हो जाएंगे, और उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा केवल फार्मासिस्ट को ही होगा, क्योंकि जो या तो फिर मेडिकल स्टोर एक फार्मासिस्ट को वहां पे परमानेंट एम्प्लॉय रखने के लिए मजबूर हो जाएगा, एक अच्छी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की सैलरी देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना उसका मेडिकल स्टोर नहीं खुल सकता, उसके बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता, जो वो लाखों रुपए कमा रहा है तो उसमें से वो शेयर फार्मासिस्ट को देने के लिए मजबूर होगा। और एक और होगा, क्योंकि जितने मेडिकल स्टोर का स्पेस खाली होगा उसमें फार्मासिस्ट अपने मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, और जो मेडिकल स्टोर जब फार्मासिस्ट खोलना शुरू होंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनके बिजनेस शुरू होंगे, और फिर लगभग हर बंदा फार्मासिस्ट बनने के लिए भागेगा। हर बंदे को ये लगेगा कि अगर उसको मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसको फार्मासिस्ट होना बड़ा जरूरी है, और जब तक ये रेंटेड लाइसेंस चलता रहेगा तब तक ये सपना नहीं पूरा हो सकता। क्योंकि जब किसी पर्सन को पता है कि वो 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में किसी फार्मासिस्ट का लाइसेंस रेंट पे ले सकता है और मेडिकल स्टोर शुरू कर सकता है, तो उसको क्या जरूरत है किसी फार्मासिस्ट को 15,000, 20,000, 25,000 में परमानेंट नौकरी रखने की? तो वो तो इजी ही वे अपनाएगा। ड्रग डिपार्टमेंट को भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई चलो काम चल ही रहा है। जब तक फार्मासिस्ट इस बारे में अवेयर नहीं होता, अपने रेंटेड लाइसेंस की प्रथा को बंद नहीं करता, जब तक जागरूक नहीं होता, एक आंदोलन की तरह इसको नहीं लेता, तब तक फार्मासिस्ट प्रोफेशन का कोई उद्धार नहीं हो सकता। तो सबसे मेन कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण भी मैं इसी को मानता हूँ, और ये बड़ी चीज भी नहीं है, एक छोटा सा लालच हम सबको मार रहा है। जिस दिन हमने एक छोटे से लालच को बंद कर दिया, इस रेंटेड लाइसेंस से आने वाले 2,000, 3,000, 4,000 की जो रेंटेड इनकम आ रही है, उस लालच को बंद कर दिया, और ये सारे फार्मासिस्टों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक फार्मासिस्ट अगर ऐसा करेगा
तो उससे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि और बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे ही मिल जाएंगे, हर साल फार्मासिस्ट नए फार्मासिस्ट आ रहे हैं तो उनको मिलते रहेंगे, तो एक या दो बंदों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। तो इस सब चीजों में हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमें सड़कों पे उतरने की उसके लिए जरूरत नहीं है। हमें केवल ये करना है कि अपने रेंटेड लाइसेंस को हमने ना कहना है। जब तक हम रेंटेड लाइसेंस को नो नहीं कहेंगे, ना नहीं कहेंगे, तब तक हमारे प्रोफेशन का कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। तब तक हम यही सोचेंगे कि हमें भी डॉक्टरों की तरह प्रैक्टिस का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो फार्मासिस्ट के बिना ना तो हॉस्पिटल में मेडिसिन सप्लाई हो पाएगी, ना ही पब्लिक को सप्लाई हो पाएगी, ना ही किसी को सप्लाई हो पाएगी, और वहाँ पे फिर फार्मासिस्ट की क्या इमेज बढ़ जाएगी, लोगों को फार्मासिस्ट की अहमियत क्या हो जाएगी, वो सब कुछ पता लग जाएगा। तो तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हम रेंटेड लाइसेंस को नो नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे, तब तक फार्मासिस्ट प्रोफेशन का कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो कारण है वो पहले कारण से ही रिलेटेड है। अगर पहला कारण सॉर्ट आउट हो जाता है तो दूसरे कारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो है कंपल्शन ऑफ फार्मासिस्ट सिटिंग एट मेडिकल स्टोर। अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के हिसाब से बात करते हैं, तो जब तक एक मेडिकल स्टोर खुला है और जब तक वो मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है, तब तक वहां पे फार्मासिस्ट की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। जो भी पर्सन आपको मेडिसिन डिस्पेंस करेगा वो एक फार्मासिस्ट की सुपरविजन के अंदर ही कर सकता है। मतलब जब तक वहां पे फार्मासिस्ट बैठा है, तब तक ही मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ लड़का आपको मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है। जिस वक्त फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर से उठ के चला जाएगा, उस वक्त मेडिकल स्टोर से मेडिसिन डिस्पेंस नहीं हो सकती, बाई द लॉ तो यही नियम है। लेकिन जब फार्मासिस्ट ने रेंटेड लाइसेंस दिया हुआ है, एक तरह से तो गवर्नमेंट की नजर में तो वो ही एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे वहां पे काम कर रहा है, लेकिन उस रेंटेड लाइसेंस की वजह से क्या होता है कि फार्मासिस्ट भी ये जरूरत नहीं उठाता कि उसको मेडिकल स्टोर पे जाना पड़े, वहां पे बैठना पड़े, क्योंकि उसको पैसा बहुत कम मिल रहा है और मेडिकल स्टोर को भी लगता है कि यार 2-4 हज़ार में उसको लाइसेंस मिल रहा है, तो उसको परमानेंट फार्मासिस्ट रखने की जरूरत क्या है। और ड्रग अथॉरिटी भी थोड़ा इस चीज को इग्नोर कर जाती है। तो दूसरा यही कारण है कि जब तक फार्मासिस्ट कंपल्सन सीटिंग नहीं होगी, तब तक फार्मासिस्ट प्रोफेशन को वो रिगार्ड नहीं मिलेगा, वो रेपुटेशन फार्मासिस्ट को नहीं मिल सकती। तीसरा जो पॉइंट है वो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डिस्पेंस नहीं होने चाहिए। हम अगर इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इजिली आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आसानी से मिल जाएगी, चाहे केमिस्ट पे आपको फार्मासिस्ट बैठा हुआ मिले। वैसे तो मोस्टली केसेस में फार्मासिस्ट होता ही नहीं है, बहुत कम फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनके खुद के मेडिकल स्टोर है, ज्यादातर तो रेंटेड लाइसेंस पे ही खुले हुए हैं। तो या कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ जिसको बिल्कुल भी मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, हायर एंटीबायोटिक्स है और ऐसे ऐसे ड्रग्स है जिनके बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट है, उनको भी बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन के प्रिस्क्रिप्शन के वो डिस्पेंस कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस यहाँ पे भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता होता है कि ड्रग के इंट्रैक्शन क्या होते हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, रेशनैलिटी क्या होती है, कौन सी ड्रग आपस में रेशनल होती है, कौन सी इरेशनल होती है, किस ड्रग को किसके साथ लेने से ज्यादा साइड इफेक्ट आएंगे, किनके साथ वो ज्यादा एक्शन शो करेगी, किसके साथ कम एक्शन शो करेगी, तो ये केवल फार्मासिस्ट को ही पता हो सकता है। ऐसे तो सीख के कि भाई आपने बुखार हुआ, आपने उसको पैरासिटामोल देना है, एक एंटीबायोटिक साथ में लगानी है, एक कफ सिरप देना है, तो ऐसे तो देख देख के तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो मेजर जो टेक्निकल टर्म है वो केवल फार्मासिस्ट को ही पता हो सकती है, और फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर पे होते नहीं है। इसी वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन को केवल प्रिस्क्रिप्शन पे ही देने की जो स्ट्रिक्टनेस गवर्नमेंट लाना चाहती है, जो शेड्यूल H1 लाई थी गवर्नमेंट, वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वो सब सिर्फ एक्ट में ही रह गए, कागजों में ही रह गए, कभी भी प्रैक्टिकली वो फील्ड में आए ही नहीं। तो ये तीन कारण जो मेजर है जिसकी वजह से फार्मासिस्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो रिगार्ड नहीं मिलती, फार्मासिस्ट प्रोफेशन को एक्चुअली हेल्थ केयर सेक्टर में कोई जगह नहीं मिलती, वो सिर्फ इन तीन कारणों से सबसे ज्यादा नहीं मिलती। और इनके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, इनके लिए केवल फार्मासिस्ट ही जिम्मेवार है। अगर आपको कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, PCI कुछ नहीं करता, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कुछ नहीं करती,
ड्रग इंस्पेक्टर कुछ नहीं करते, तो उनका तो करना बहुत दूर की बात है। पहले तो फार्मासिस्ट को ही वहां पे एक्ट करना पड़ेगा, फार्मासिस्ट को ही अपने रेंटेड लाइसेंस की प्रथा खत्म करनी पड़ेगी, परमानेंट सीटिंग मेडिकल स्टोर पे देनी पड़ेगी, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फार्मासिस्ट को खुद ही करना पड़ेगा। अगर फार्मासिस्ट ये सब की चीज कर लेता है तो उसको डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हॉस्पिटल को लगाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और फिर उसको पूरा करने के लिए उससे रिलेटेड बैंक लोन को उतारने के लिए आपको तरह तरह की टेक्निक करने की जरूरत होती है। लेकिन एक मेडिकल स्टोर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, और एक वो हॉस्पिटल से ज्यादा कमा सकता है, और एक फार्मेसी डॉक्टर से ज्यादा अर्न कर सकता है। अगर आपको भी लगता है कि कोई और ऐसा पॉइंट है जहां आप भी फार्मासिस्ट प्रोफेशन को रिगार्ड देना चाहते हो, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि एक ग्लोरीफाई हो फार्मासिस्ट प्रोफेशन, आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वेंस कर सके, ज्यादा से ज्यादा फार्मासिस्ट को कन्वेंस कर सके कि वो अपना रेंटेड लाइसेंस मेडिकल स्टोर को ना दे, वो 2,000 या 3,000 के लालच में ना आए, और फ्यूचर में जो फार्मासिस्ट आ रहे हैं या जो हम फार्मासिस्ट है उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम अपना थोड़ा सा योगदान तो दे। हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम रेंटेड लाइसेंस को ना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।